पुराण का ये जो कहानी है गणेश जी का अवतरण के बारे में, इसके बारे में मन में ऐसा कुछ विचार आ रहे थे। कहानी ये है कि पार्वती नहाने गई। पार्वती ने अपने शरीर का मैल को निकाल करके उसमें एक पुतला बनाया, उसको जान दे दिया, पुत्र बना लिया। शिव जी बाहर गए थे, बाहर से जब लौट के आए ये बालक खड़ा हुआ था, ताकि पार्वती नहा रही थी। तो ये बालक ने रोका शिव जी को, ताकि पहचानता नहीं था कि पार्वती ने ही तो बनाए उनको। तो शिव जी को क्रोध आया, उन्होंने इनका सिर काट दिया। और फिर जब पार्वती को पता चला, पार्वती बड़ी दुखी हो गई, अरे मेरा पुत्र का इस तरह से वध कर दिया। फिर शिव जी ने कहा कि कौन सा प्राणी या व्यक्ति उत्तर के ओर सिर रख के सो रहा है, वो लेके आओ। जब पृथ्वी में आए, सिर्फ एक हाथी उत्तर की तरफ सिर रख के सो रहा था, और कोई नहीं सो रहे थे। तो हाथी का सिर काट के लेके आए, इसमें रखा, फिर गणेश जी बन गए। फिर उनको वरदान दे दिया, ताकि गुस्सा किया तो वरदान भी देना पड़ेगा। तो पहले गुस्सा करके पश्चाता होने पे फिर उनको पुसलाना पड़ता है ना, तो पुसलाए, फिर बोले जब पहला पूजा तुम्ही को होगी। ये जो पुराण की जो कहानी है, उटपटांग कहानी, अटपटा सा लगता है। क्या पार्वती के शरीर में इतना मैल जमा हुआ था? पहला प्रश्न। दूसरा, जो त्रिकालज्ञ ज्ञानी सब कुछ जानने वाला ईश्वर को ये नहीं पता चला कि ये मेरा बेटा है, पार्वती का बेटा है। अच्छा, तीसरा प्रश्न ये कहते, अच्छा शिवजी इतना, उनमें इतना ये असहनशीलता थी क्या? किसी ने बोला तुम रुको अभी, तो उनको रोकने के लिए भी मना करे, इतना अहंकारी था सदाशिव, ताकि वो बच्चा है, वो कह रहा है रुको मैं अभी नहीं जाने दूंगा, तो उसका सिर काट दे। कितना क्रूर कठोर भगवान होगा तुम्हारा ये, और नासमझी होगा। मान लो आपको कोई गार्ड कहीं रोकता हो, तो आप उसका सिर काट दोगे? चाहे आप ही के घर का गार्ड क्यों ना हो। माने शिव इतना क्रोधी, असहनशील, अज्ञानी, और पार्वती इतना मैल डोलने वाली, और अपने मैल से ही बच्चा बनाने वाली। तो जो आस्था नहीं रखते हिंदू धर्म में, वो इस सब कहानी को ले ले करके हिंदू धर्म की खूब पिटाई करते हैं। और हमारे देश के, हमारे धर्म के जो युवकों को इसमें से हटाते हैं। और इसका जवाब देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं, किसी को पता ही नहीं है। अच्छा, बच्चा का शरीर छोटा है, हाथी का सिर इतना बड़ा है, उसके ऊपर हाथी का सिर रखा, और इतना भी समझदार नहीं है कि ये तो ये चूहे पर कभी चढ़ नहीं सकता है, तो उसका वाहन दिया चूहा। इतने से चूहे के ऊपर आदमी, वो आदमी के ऊपर इतना बड़ा सिर, किसी को कोई इसका माप तोल का, मापदंड का कोई ज्ञान ही नहीं होगा, या बदला लेने के लिए किया होगा इतना शिवजी ने किया हो। चूहा उनका वाहन यदि शिवजी ने दिया है, तो कितना क्रूर कठोर होंगे तुम्हारे भगवान। भगवान कैसे कहोगे तुम्हारे इस तरह का, जो जुल्म करने वालों को ये पूछते हैं। अरे मासूम बच्चे को इतना सजा देते कोई, चूहे पर चढ़ के जाओ, सिर काट दे उसको। नहीं, गलत समझ है। गणेश जी की कहानी ये नहीं, गणेश जी की कहानी ये है। पर्व पार्वती माने जो
पर्व की शक्ति, पर्व माने त्योहार, उत्सव। उत्सव में बहिर्मुख होता है व्यक्ति। जब बहिर्मुखता बढ़ जाती है तो उसमें मैल उठ के आ जाता है, उसका उससे पैदाइश होता ही तनाव। उत्सव जब बहिर्मुख हुआ उसमें क्या हुआ, राग द्वेष तनाव पैदा हो गया, मैल पैदा हो गया। और उत्सव से जो पैदा हुआ उसको वो संभाल भी नहीं पाते, इसलिए वो शक्ति शिव से अलग हुई हुई है। शिव माने शांत चेतना, शांत अंतर्मुखी चेतना। एक बहिर्मुखता के उत्सव के साथ विच्छेद हुआ तो मैल पैदा हुआ। अब वो शांत चेतना को ये शक्ति है कि इसको एक नया रूप दे दे, जिसको मैल करके देखते वो छोटा सिर था, छोटा मन था। आप उसको एक बड़ा मन दे दिया जाए, जिस ज्ञान शक्ति में कर्म शक्ति निहित है, ऐसा रूप दे दिया जाए। माने देखो, एक बड़ा फैक्ट्री का मालिक क्या करता है, वो खुद जाके काम नहीं करता, वो सिर्फ दस्तखत करता है। उसके ज्ञान में होने पर वो हाँ या ना बोलने से बाकी सब काम हो जाता है। फैक्ट्री का मालिक का काम यही है, वो हाँ बोलता है या ना बोलता, अप्रूव करता है डिसअप्रूव कर देता है, खुद नहीं काम करता। माने ज्ञान शक्ति में कर्म शक्ति उसका निहित है ना। एक फैक्ट्री का मालिक आज ऑर्डर देता है, आज आदेश देता है, इतने लाख टन तुम सामान लेके आओ, बस वो दस्तखत ही करता है, वो काम हो जाता है। तो छोटा मन में ये चीज नहीं है, बड़ा मन जो है, विशाल सिर, माने ज्ञान, जिसमें ज्ञान शक्ति कर्म शक्ति एक साथ है, वो हाथी का सिर है। माने उसका सूंड से ही वो सारा काम करती है, हाथी उसी से सूंघती है, उसी वो एक ही प्राणी है जो अपने सूंड से ही सूंघती है और काम भी कर देते है, उससे उसी से खाती है। ज्ञान और कर्म शक्ति का एक होने का प्रतीक है हाथी। तो छोटा मन को बड़ा मन से इन्होंने जोड़ दिया, छोटा मन को हटाया, छोटे दिमाग को हटाया, छोटी बुद्धि को हटा के बहुत विशाल बुद्धि, प्रखंड बुद्धि को स्थापित कर दिया। प्रखंड बुद्धि ने क्या किया, जो जो विघ्न लगा उत्सव में, जो विघ्न लगा मैं लगा, उसको ज्ञान में परिवर्तित कर दिया। इसीलिए ज्ञान के मालिक है गणपति, और विघ्न को दूर करने वाले। भाई एक झरना है, झरना के बीच में चट्टान पड़े, वो झरना उस चट्टान के ऊपर से चली जाती है और ज्यादा सुंदरता लेके आती है वो उस बहाव को, है ना। पानी के पथ पर पत्थर हो, वो पानी और सुंदर ढंग से बहने लगती है, और एक मनोहर ढंग से पानी बहने लगती है। इसी तरह से जहां ज्ञान होता है वहां विघ्न नहीं होता, विघ्न दूर हो जाता है। तो ज्ञान के अधिपति, प्रज्ञा के अधिपति विघ्न को हरता है। विघ्न का महसूस करना ही अज्ञान है। जीवन में जो भी विघ्न समझते हैं हम, वो सारे विघ्न विशाल दृष्टिकोण का अभाव से होता है। एक विशाल दृष्टिकोण से देखा जाए विघ्न तो है ही नहीं। तो विघ्न विनायक, विघ्न को दूर करने वाले, विनायका, जिसका कोई नायक नहीं है, या ऐसा एक विशेष नायक
जो तुम्हें दिखाता है कि कोई विघ्न ही नहीं है जीवन में। ये बताने के लिए इस तरह के एक प्रतीक के रूप में कहानी रचाया गया, ना पार्वती के शरीर में मैल रहा ना ईश्वर इतना अज्ञानी रहे। मगर जो शिव तत्व जो है, उस शिव तत्व शांत अद्वैत आत्म तत्व में बोध का उदय होना, देखो शिव तत्व सब जगह है, सब में है, सर्वव्यापी है, मगर किसी किसी में वो बोध के रूप में प्रकट होता है। प्रकट हुआ हुआ बोध को विघ्नायक कहते, गणाधिपति कहते, गण के नायक कहते। गण माने समूह, ये सारा संसार अणु परमाणुओं का समूह है। इन सब का जो नायक है वो विनायक है, माने कोई है भी नहीं नायक फिर भी नायक। गणाधिपति और विनायक ये दोनों विरोधात्मक शब्द है। तो गणपति माने गण के अधिपति, विनायक माने जो नायक नहीं है, है भी नहीं भी, इस तरह का एक विशिष्ट प्रतीक को हमारे पूर्वजों ने हमारे सामने रखा। तो गण के नायक जो हर तरह के गण के जो नायक है, अधिपति है, गण का पति है, वो गणपति है। प्रज्ञा कारक बुद्धिवर्धक विघ्न विनायक विघ्न विनाशक, ये तीनों जो है ये बोध स्वरूप जागृत आत्मशक्ति का प्रस्फुरण है, प्रकटीकरण है। शांत निष्क्रिय निश्चल निरंजन नित्य निर्द्वंद्व चेतना शिव तत्व है। वो शिव तत्व से, शिव के कुमार है, शिव से पैदा हुआ विशाल जो ज्ञान है उसी को फिर हमारे पूर्वजों ने गणपति का तत्व के रूप में उसको पेश किया, गणपति तत्व को हमारे सामने रखा है। तो आदि शंकराचार्य ने बहुत सुंदर तरीके से गणपति का विवरण किए हैं, कहते अजम निर्विकल्पम, गणपति का कभी जन्म ही नहीं हुआ। निर्विकल्पम, इनका कोई और विकल्प नहीं है, माने इनका कोई दूसरा चॉइस ही नहीं है। गणपति है और दूसरे भी हैं क्या? नहीं, दूसरे कोई है निर्विकल्प, वहां कोई और विकल्प ही नहीं है। अजम निर्विकल्पम निराकारमेकम, निराकार है उस गणपति तत्व का, कोई आकार नहीं है। निराकारमेकम एक ही है, निरानंद मानंद मद्वैत पूर्णम, आनंद से भी परे, निरानंद आनंद भी है, आनंद है भी ना भी, अद्वैत पूर्ण, अद्वैत है और पूर्ण है। परम निर्गुणम निर्विशेषम निरीहम पर ब्रह्म रूपम गणेशम भजे मा, सारे गुण के जो अधिपति है वो निर्गुण है। परम निर्गुणम निर्विशेषम निरीहम, कोई विशेष नहीं है, निर्विशेष है, सब जगह मौजूद है। विशेष माने जो सब जगह नहीं है वो विशेष होते हैं, इसलिए परमात्मा को निर्विशेष कहा गया। सब जगह मौजूद है, कोई स्पेशल नहीं है, ऑर्डिनरी है, साधारण, निर्विशेष। परम निर्गुणम निर्विशेषम निरीहम पर ब्रह्म रूपम गणेशम भजे, ऐसा पर ब्रह्म स्वरूप गणेश को मैं नमस्कार करता हूँ। गुणातीत मानम चिदानंद रूपम चिदाभासकम सर्वगम ज्ञान गम्यम मुनि ध्येयम आकाश रूपम परेशम पर ब्रह्म रूपम गणेशम भजे मा, चिदाकाश स्वरूपी है।
चिन्मय है, चिन्मयता है और सर्वगम ज्ञान सबके भीतर प्रकट हो सकते हैं। सर्वगम सब जानने वाला सबके भीतर जो है, ज्ञान के द्वारा बोध के रूप में जिनके भीतर प्रकट होते हैं वह है। और मुनि ध्येय माँ का, जो मुनि लोग ध्यानी लोग बैठ के जब ध्यान करते हैं उनके भीतर जो आकाश रूपी तत्व है वही श्री गणपति। मुनि ध्येयम् आकाश रूपम परेशम, तुम्हारा रूप कैसा है? मुनि जब ध्यान करते हैं उनका जो ध्येय है आकाश रूपी, उस रूप के हो तुम, ऐसे परब्रह्म स्वरूपी गणेश को मैं नमस्कार करता हूँ। जगत कारणम कारण ज्ञान रूपम, जिससे सारा सृष्टि हुई है, इस जगत का कारण है, कारण रूपी ज्ञान है। सुराधिम सुखादिम गुणेशम गणेशम, सुरादि सब सद्गुण के आदि है, यहां से सारे सद्गुण निकलते हैं। और सुख सब तरह का सुख गणेश से ही निकले, और कोई चारा ही नहीं। सुखादिम सुख के आदि है, सुरादिम सुखादिम गुणेशम गणेशम, सारे गुण के अधिपति है, सारे गणों के अधिपति है। ये दुनिया गणों का समूह है, जो शक्ति परमात्मा का, परमात्मा परब्रह्म शक्ति सब में व्यापित है वही है। जगद्व्यापिनं विश्ववंद्यं सुरेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजे, एक जगह नहीं जगत व्यापी है, इस सारे संसार में सब जगह व्याप्त जो तत्व है वही गणेश तत्व है, ऐसे गणेश तत्व को मैं प्रणाम करता हूँ।